प्रभाव पे एग्जाम्पल्स मैंने दो एग्जाम्पल से बताया है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो देखिए, वाटर स्ट्राइडर्स पिन या ब्लेड, ये वस्तुएं जो हैं ये पानी में तैर सकती है। क्यों? तो वाटर स्ट्राइडर्स का मतलब आप लोग जान लें कि एक तरह की कीट पतंग है जो पानी के ऊपर में आसानी से चल सकता है। तो ये जो वस्तुएं हैं जैसे पिन या ब्लेड, अगर नॉर्मली जाने तो ये धातु की बनी होती है और ये पानी में डालने पर डूब जानी चाहिए, मगर जब पानी में ऐसे तो डूब जाती है, मगर अगर पानी में से धीरे से अगर हम रखें किसी की सहायता से और ज्यादा हिलाए नहीं तो देखेंगे ये पानी में डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता उसको हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं ये पानी का सतह है, अब यहां पर मैंने एक ब्लेड को रखा, ये अगर हमारा ब्लेड है तो ब्लेड क्या करता है, अपने भार की वजह से इस जगह का जो द्रव है इसको नीचे की तरफ इसे दबाता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरल का जो ऊपर का पृष्ठ है उसे हम लोग एक रबर के मेम्ब्रेन के जैसा, एक रबर का पर्दे के जैसा समझ सकते हैं। तो जब रबर के पर्दे पर अगर हम कुछ अगर डालते हैं तो वो क्या होता है, वो अगर ऐसा है इस पर हम कुछ डालते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, ऐसे कर्व बन जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ब्लेड को डालते हैं तो ये जो सतह का जो द्रव है ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। ध्यान देंगे ये ऐसे ब्लेड को डालने से ये ऐसे झुक गया। तो झुक जाने से क्या होता है, इस जगह का जो एरिया है वो एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन का जो एरिया है और अगर इसे ऐसे झुका दे तो ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो ये ज्यादा एरिया हो जाएगा। मगर पृष्ठ तनाव क्या करता है, पृष्ठ तनाव सबसे पहले बात दो तरीका समझे, पृष्ठ तनाव तो हमेशा ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है इसको ऊपर ले जाने के लिए, और पृष्ठ तनाव क्या करता है, इस सतह को, इसके क्षेत्रफल को हमेशा कम करना चाहता है। जब इस ब्लेड के भार की वजह से ये सतह का जो क्षेत्रफल है ये बढ़ गया, पृष्ठ तनाव क्या करेगा, इसको वापस पहले वाले स्थिति में लाना चाहेगा जिससे कि इसका क्षेत्रफल कम हो जाए। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये ब्लेड ऊपर में ही तैरता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से वाटर स्ट्राइडर्स जो होते हैं यानी कि कीट पतंग जो होते हैं उनकी लंबी लंबी पतली पतली से टांगे होती है, तो वो जो पैर और उनके पैर में जो रोआ लगा होता है वो क्या करता है, वो पानी को सोखते नहीं है तो पानी में भीगेगा भी नहीं। और जब पानी पर वो जब प्रेशर डालते हैं, जब उन पांव जब उनका पानी पर पड़ता है तो पानी पर पड़ने से क्या होता है, वो थोड़ा सा पानी का जो सतह है वो नीचे की तरफ दबता है, लेकिन सरफेस टेंशन के कारण वो पहले की तरफ वापस हो जाता है जिससे कि वो आसानी से पानी के ऊपर में दौड़ या चल सकते हैं मगर पानी में डूबते नहीं है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने देखा है कोई भी अगर हम ब्रश यानी कि पेंट करने वाला अगर हम ब्रश देखते हैं तो जब उसे हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर हम क्या देखते हैं कि वो जो उसके हेयर्स हैं या उनके जो लेयर्स है वो फैले हुए होते हैं। अगर हम इस तरह के अगर एक ब्रश को इसमें डाला जाए तो ये ब्रश का जो हेयर्स होता है ये फैला हुआ रहता है, पानी में डालने पर ये एक दूसरे से अलग बिखर जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसको अगर हम बाहर निकालें तो हम देखेंगे कि जो ब्रश का जो सतह है ये आपस में ऐसे सड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है, पानी में डालने पर ये फैल गए हैं मगर पानी से जैसे निकालते हैं तो ये पुनः एकदम अपना इस तरह का नुकीला आकृति ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि जब जल इस पे तो जल लगा हुआ है, जल जब बाहर निकल इस पे जल लगा हुआ तो जल क्या करना चाहेगा, सरफेस टेंशन के कारण जब वो ओपन स्टेट में आया तो सरफेस टेंशन के कारण वो अपने आकृति को कम करना चाहेगा, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा आपस में सिकुड़ने लगेगा। इसलिए पेंट के जो ब्रश है वो आपस में सिकुड़ने लगते हैं। कारण क्या है, सरफेस टेंशन का कारण है। ड्रॉपलेट्स का गोलाकार होना, ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है, जो जल की बूंदे होती है अगर बहुत छोटी छोटी बूंदे हैं तो उन्हें हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, अगर थोड़ी बड़ी है तो उन्हें हम ड्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स के बारे में कहा जा रहा है, जो जल की बूंदे होती हैं अगर वो हम कहीं पर भी देखते हैं वो हमेशा गोलाकार शेप में क्यों रहता है, छोटा वो चपटा भी तो हो सकता है या और कोई भी आकार ले सकता है, गोलाकार ही क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल जो है वो अपना सतह न्यूनतम करना चाहता है, मतलब अपना जो ऊपरी सतह है उसे न्यूनतम करना चाहता है, और न्यूनतम जो आकार होता है वो हमेशा एक गोला का होता है। हम देखेंगे कि जब भी कोई समान आयतन के लिए, मान ले हमारे पास एक लीटर का जल दिया हुआ है, अगर उसे हम सबसे कम एरिया वाले बर्तन रखना है तो किस तरह का बर्तन लेंगे, तो हम गोलाकार बर्तन लेने से उसका एरिया सबसे कम होगा और आयतन सबसे अधिक होगा। तो समान आयतन के लिए सबसे न्यूनतम आयतन वाले गोलक, सबसे न्यूनतम आयतन किसका होता है, गोला का होता है। इसलिए ड्रॉपलेट्स का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। ड्रॉपलेट्स का आकार क्या हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गोलाकार। क्या कारण है इसका, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होना चाहिए, कोई भी आकार जो न्यूनतम होगा वो क्या होगा, गोल होगा। इसलिए हम देखते हैं ये गोलाकार होता है। मगर थोड़े जो बिग, थोड़े से बड़े जो ड्रॉप्स होते हैं वो गोलाकार नहीं होकर, अगर ये ड्रॉपलेट्स है तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से चपटे हो जाते हैं। चपटे क्यों हो जाते हैं वो, क्योंकि बड़े जो ड्रॉप्स होते हैं उनमें जल का परिमाण अधिक है तो भार अधिक है, भार अधिक होने के कारण वो भार के कारण सरफेस टेंशन उसके मुकाबले में कमजोर पड़ जाता है और भार नीचे हो जाता है और सरफेस टेंशन जो उसे गोल नहीं रख पाता है तो वो थोड़ा चपटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन काम है ये क्या है, जो वस्तु का भार है ये सरफेस टेंशन से अधिक हो जाता है, सरफेस टेंशन से अधिक होने के कारण वो चपटा हो जाएगा, और ज्यादा करेंगे तो वो पूरा सतह में फैल जाएगा और धीरे धीरे सरफेस टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा।
तो हम लोगों ने देखा कि वाटर ड्रॉप जो होता है वो चपटे होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। आप लोगों ने बैरोमीटर देखा है, बैरोमीटर में जब भी आप पाठ्यांक लेंगे, जब रीडिंग पढ़ेंगे तो आप लोग क्या देखते हैं, मरकरी जो है वो ट्यूब के अंदर में, कांच का जो ट्यूब होता है उसके अंदर में कुछ इस रूप में, इस शेप में रहता है। अगर हम मरकरी की जगह में अगर हम किसी पतले ट्यूब में पानी भर कर देखें, एकदम पतला कांच का ट्यूब में, तो हम लोग देखते हैं वो शेप पानी का अगर रहेगा, जल रहेगा, तो ऐसा शेप रहेगा। दोनों में देखें, मरकरी और वाटर में दोनों का शेप अलग अलग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोगों ने पढ़ा है कोहिसन और एडिसन, जो दो तरह के फोर्स है, उसका कारण हम लोग इसी से समझ सकते हैं। इसमें मरकरी के केस में कोहिसन फोर्स, यानी कि मरकरी चूंकि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है जल की तुलना में, तो मरकरी के जो दो अणु होते हैं उनका आपस में लगने वाला बल, वो इस कांच की दीवार और मरकरी के बीच में जो बल लगता है इसकी तुलना में वो अधिक होता है। मतलब मरकरी के जो अणु है वो आपस में अधिक स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ चला गया और कांच का जो सतह था ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये कॉन्वेक्स शेप ले लिया, उत्तल ले लिया। तो ये एक मेनिस्कस जो होगा, इसे कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मेनिस्कस का मतलब होता है ट्यूब के अंदर में जो भी द्रव है उसका शेप जो होता है उसे हम मेनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ पर मेनिस्कस कैसा मेनिस्कस है? कॉन्वेक्स बना। और जल के केस में क्या होता है, कोहिसन फोर्स जो है वो इसकी तुलना में, कांच की तुलना में बहुत कम होता है, एडिशन फोर्स से कम होता है। तो कांच का जो ये लेयर है ये पानी के बूंदों को यहां तक पकड़े हुए रखेगा, मगर जल जो है ये आपस में एक दूसरे को उतना पकड़ कर नहीं रह सकता है स्ट्रांगली, वो वीक हो जाता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये शेप ऐसा बन जाता है, इसे हम कहते हैं कॉन्केव मेनिस्कस। किन किन कारकों पर पृष्ठ तनाव निर्भर करता है? सबसे पहले देखें घुलित का प्रभाव। जल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जल में कोई पदार्थ जो घुल सकता है वो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव डालेगा? तो हम लोग इसे दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहला बात, अकार्बनिक घुलित पदार्थ। अकार्बनिक घुलित पदार्थ जैसे कि चीनी, सॉरी जैसे कि नमक, नमक या इस तरह का कोई भी लवण या अम्ल या क्षार, इस तरह के जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जब जल में घुलते हैं तो जल में घुलने पर वो उसके पृष्ठ तनाव को और बढ़ा देते हैं। मतलब जल का जो पृष्ठ तनाव हो, अगर हम फॉर एग्जांपल नमक लेते हैं, नमक के घुलने पर जल का पृष्ठ तनाव शुद्ध जल की तुलना में अधिक होगा। इसलिए देखा जाता है कि समुद्र का जो जल होता है उसका पृष्ठ तनाव नॉर्मल जल से कहीं ज्यादा अधिक होता है। सेकंड पॉइंट देखें, कार्बनिक घुलित पदार्थ। कार्बनिक घुलित पदार्थ जो होते हैं उनके घुले रहने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। कार्बनिक पदार्थ भी होना चाहिए और उस जल में घुलनशील भी होना चाहिए। जैसे कार्बनिक घुलित पदार्थ जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो पानी में घुलनशील है, तो कार्बनिक घुलित रहने से उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तो अल्कोहल जो होता है उसका पृष्ठ तनाव पहले से ही बहुत कम है, जब वो पानी में घुलेगा तो पानी के भी पृष्ठ तनाव को घटा देता है। सेकंड पॉइंट, घुलित का प्रभाव हो गया। अब ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलता नहीं है उसके अगर हम पानी पे उससे मिलाएं तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ऐसा घुलित पदार्थ जो घुलता नहीं है, अघुलित पदार्थ कौन सा है? तो जैसे तेल है, तो इस तरह का भी कोई पदार्थ है जैसे कि तेल है, अगर पानी में हम डालते हैं तो पानी की भी जो पृष्ठ तनाव है वो पहले की तुलना में घट जाएगा। तापक्रम का प्रभाव। तापक्रम बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। घट क्यों जाता है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु का तापक्रम बढ़ाते हैं तो उसे घनत्व कम हो जाता है। कम घन होने पर वो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए अगर हम देखेंगे कि पानी जो है वो गर्म पानी, वो ठंडे पानी की अपेक्षा में गर्म पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। घनत्व का प्रभाव। घनत्व क्या है? घनत्व बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। घनत्व जितना बढ़ाएंगे या जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उसका पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मरकरी और वाटर, मरकरी पारा का जो घनत्व होता है वो जल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पारा का जो पृष्ठ तनाव है वो भी जल की तुलना में बहुत अधिक है। कपड़ों को साफ करने के लिए जल में डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? डिटर्जेंट या सर्फ जो है हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो डिटर्जेंट क्या है, ये एक घुलनशील कार्बनिक पदार्थ है। हम लोगों ने पहले पढ़ा पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक में कि जब भी जल में कोई घुलनशील कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो यहाँ पर ही देखें, जल में घुल जाती है, ये जो डिटर्जेंट है जल में घुलकर जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। और जब जल का पृष्ठ तनाव कम हो गया तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा फैल जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने पर वो सरफेस एरिया जो उसका बढ़ जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या करता है, जल को फैलने से रोकता है। अगर पृष्ठ तनाव कम हो गया तो जल ज्यादा फैलेगा, और जब जल ज्यादा फैलता है तो ये कपड़ों में जाकर, कपड़ों के रेशों में जाकर वो उसकी गंदगी को बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जल कपड़ों में अधिक फैलता है और गंदगी को साफ करता है। तो ये ही इसका आंसर है। यहाँ पर और एक चीज नोट कर लेंगे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कपड़ों को साफ करने के लिए पानी, गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि तापक्रम जो है, तापक्रम के बढ़ने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो जल का पृष्ठ तनाव अगर घट जाएगा तो जल फैलेगा अधिक। जल का पृष्ठ तनाव नहीं रहने पर क्या असुविधा होगी? हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक है तो भी हमें असुविधा है।
क्योंकि कपड़े धोने में हमें डिटर्जेंट का यूज करना पड़ रहा है, उसे गर्म करके हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर क्या पूरे रूप से अगर पृष्ठ तनाव को कम कर दिया, हटा दिया जाए तो क्या वो अच्छा होगा? हम लोग देखते हैं नहीं, वो भी असुविधा है। क्यों असुविधा है? क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या करता है, ये जल के अणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। अगर पृष्ठ तनाव को हम जीरो कर दें या जीरो हो जाए किसी भी कारण से, तो वो अणु जो है वो आपस में सट कर नहीं रहेंगे और अणु एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, और बहुत दूर होने पर वो क्या होगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो जो हम जल देख रहे हैं तरल अवस्था में, वो तरल अवस्था में नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वाष्प हो जाएगा। तो वही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव अगर नहीं रहेगा, नहीं रहने पर जल के सतह पर जो उपस्थित अणुओं पर बल शून्य हो जाएगा, नेट फोर्स जो है वो कुल मिलाकर जो बल लग रहा है वो शून्य हो जाएगा, और साधारण तापक्रम मतलब बिना गर्म किए ही जल क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, और हमें जल तरल रूप में कभी मिल ही नहीं पाएगा, हमें हमेशा वाष्प के रूप में ही मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही असुविधा का विषय है।